जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऋग्वेद के बारे में। हम आपको बताएंगे कि ऋग्वेद पढ़ने से आपको क्या जानकारी मिलेगी और ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, और हम आपको बताएंगे ऋग्वेद किस किस गोत्र का वेद है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस तो देखते हो लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप कृपया करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये ज्ञान हम देते रहें और आप अपना ज्ञान हमारी वीडियोज़ देख कर बढ़ाते रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुरानी ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक परतें किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक हैं। ऋग्वेद की ध्वनियों और ग्रंथों को दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। दार्शनिक और भाषाई साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के थोक की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जो कि सबसे अधिक संभावना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 1700 से 1000 BCE भी कहीं कहीं पर इसको बताया गया है। ऋग संहिता में 10 मंडल तथा बाल खिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एक अर्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। ऋग विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्व ज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, तत्व ज्ञान के नासदीय सूक्त तथा हिरण्य गर्भ सूक्त, विवाह आदि के सूक्त वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों के जैसे स्वरों में होना, जिसमें कुछ विविध भारतीय देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जो कि अलग अलग समय में लिखे गए हैं और अलग अलग लंबाई के हैं। मंडल संख्या 2 से 7 ऋग्वेद के सबसे पुराने और सूक्ष्मतम मंडल हैं। यह मंडल कुल पाठ का 38% है। दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं यानी के मंत्र हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वेद पहले एक संहिता में था, पर व्यास ऋषि ने अध्ययन की सुगमता के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया। इस विभक्तिकरण के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इनका विभाजन 2 क्रम से किया जाता है, अष्टक क्रम एवं मंडल क्रम। अष्टक क्रम पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं। हर अध्याय में कुछ वर्ग हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ ऋचाएँ गे मंत्र हैं, जो सामान्यतः 5 हैं। मंडल क्रम के अंतर्गत संपूर्ण संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुवाक और प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र यानी के ऋचाएँ हैं। कुल 10 मंडल में 85 अनुवाक और 1017 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 सूक्त बालखिल्य नाम के जाने जाते हैं। ऋग्वेद के सूक्तों की पुरुष रचयिताओं में गृत्स्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं। सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, शची, कांक्षावृति, पोलोमी आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के
95 सूक्त में पुरुर्वा, एल और उर्वशी का संवाद है। दोस्तों, वेदों में किसी प्रकार की मिलावट न हो इसके लिए ऋषियों ने शब्दों तथा अक्षरों को गिनकर लिख दिया था। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580, शब्दों की संख्या 153,526 तथा शौनक कृत अनुक्रमणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति कृत अक्षरों की संख्या 12,000 वृहति थी, अर्थात 12,000 × 36 यानी के 4,32,000 अक्षर। आज जो शाकल संहिता के रूप में ऋग्वेद उपलब्ध है उनमें केवल 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की कुल 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, उनमें से चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं, जो हैं शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम ये हैं: ऐत्रेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नाद बिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, बहवरूका और सौभाग्य लक्ष्मी। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 हैं, जिनमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऐत्रेय और सांख्य आरण्यक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसे देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अर्चिलोम तथा वभ्रलोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक हैं, वह सोम देवता है। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधवः शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ अनार्यों जैसे पिसाकास, सीमिया आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। इसमें अनार्यों के लिए अव्रत, जो व्रतों का पालन न करने वाले हैं, मृच्छवाच यानी के अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास चपटी नाक वाले कहा गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा कर्मार नामों का उल्लेख हुआ है, जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा तथा तत्र शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अस्तोमा सद्गम्य वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य जो सवित्र को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इस वेद में गाय के लिए अहन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक या आजीवन
अविवाहित रहती थी, इन कन्याओं को अमाजु कहा गया है। इस वेद में हिरण्यपिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा त्वष्ट्रा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। अश्विन को नासत्य अश्विनी कुमार भी कहा गया है। इस वेद में नौवें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि पुरुषणी यानी के रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद में कई ग्रामों के समूह को विष कहा गया है और अनेक विषों के समूह को जन। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का 170 बार प्रयोग किया गया है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। ये थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु तथा द्रहयु। दोस्तों, विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख आया है। समिति का 9 बार तथा सभा का 8 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में भिषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऋग्वेद किस किस गोत्र का वेद है। ऋग्वेद अत्रि गोत्र व इसके प्रवर कृष्णात्रि, अर्चि, आर्चनानस, श्यामवाश्व व आस्पद, तिवारी, पांडे का भृगु गोत्र व इसके प्रवर जामदग्न, चैवन, भार्गव, आपनवान और जामदगन्य का व इसके आस्पद द्विवेदी, पांडे, चतुर्वेदी, मिश्र, उपाध्याय, तिवारी का धनंजय गोत्र व इसके प्रवर विश्वामित्र, मधुच्छंदस व इसके आस्पद द्विवेदी, तिवारी, दीक्षित का वेद है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ऋग्वेद की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि भूलवश हम कोई जानकारी ऋग्वेद के बारे में देना भूल गए हों तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।